नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, सके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मई 2022 की आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इन दिन गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और दोस्तों दिन मृग शीर्षा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्रमा नाम का शुभ योग शाम के 6:06 रहेगा, उसके उपरांत ही धृति नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 3:38 तक और दोस्तों चंद्रमा दिन मिथुन राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, यकीन और दुआ नजर नहीं आते मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। दोस्तों, नसीहतें और दुआएं कभी नहीं बदलती, परंतु देने वाले लोग और उसकी जो तरीके बदल जाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी दो ही जगह है, या तो किसी के दिल में या फिर किसी के दुआओं में। दोस्तों, आंसू न होते तो आंख इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती। पूरी करता रब यूं सबकी मुरादें तो इबादत की कभी जरूरत न होती। दोस्तों, प्रार्थना ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं लाती, यह तो उस व्यक्ति को परिवर्तित करती है जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। दोस्तों, ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना टूटे मेरी वजह से। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धेनी राशिफल। दोस्तों, यश में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी, धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता रहेगी, लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा तथा पुराने तनाव से यश में आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यह समय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का समय होगा, इसलिए दोस्तों पूरी मेहनत से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। दोस्तों, इसके उपरांत ही दूसरों के मामले में यश में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से आपका ही नुकसान होगा, संतान की वजह से भी किसी प्रकार की चिंता रहेगी तथा राह चलते कोई भी मुसीबत आपके पास आ सकता है। दोस्तों, यश में धैर्य और शांति बनाकर रखने की जरूरत होगी। दोस्तों, इसके उपरांत ही यश में आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों कुछ बातें आपकी योजना के अनुसार होंगी और कुछ बातों में बदलाव लाना होगा। इसका मतलब यश और अपयश नहीं होता, यह याद रखें। घर के कामों संबंधी पैसा अधिक खर्च हो सकता है, घर के रिनोवेशन में जरूरत से अधिक वक्त भी लगेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों यश में दिन व्यवस्था पूर्ण रहेगा, सरकारी कार्यों में विजय हासिल होगी, आप अपनी सूझबूझ द्वारा अपने विरोधियों को परास्त करने में यश में सक्षम रहेंगे तथा अपनी क्षमता को करियर, प्रोफेशन, अध्यात्म आदि कार्यों में लगाएंगे। दोस्तों, रोजमर्रा के दैनिक कार्य बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे, परंतु कई मामलों में धैर्य से आपको काम लेने की जरूरत होगी। दोस्तों, जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से कार्यों में किसी प्रकार की जो है रुकावट आ सकती है। आर्थिक मामलों में यश में स्थितियां जो है आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए दोस्तों यश में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो दिन होंगे, पारिवारिक से संबंधित तकलीफ यश में दूर होगी, परिवार द्वारा आपको खुशियां मिल सकती है, सभी लोगों के साथ रिश्ते गहरे बनने की आपकी कोशिश यश में सफल होगी। दोस्तों, परिवार के किसी व्यक्ति को जो है आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, दूसरों को मानसिक रूप से सहयोग देना आपको आज के दिन आनंद देगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, आपको अपने कार्यों के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे, इसलिए दोस्तों अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहें, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी जो उपस्थिति है यश में बनी रहेगी। भूमि संबंधी खरीद फरोख का काम भी यश में संपन्न होगा। ध्यान रखें कि आपका ही कोई नजदीकी मित्र आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या फिर अफवाह फैला सकता है, जिसकी वजह से समाज में बदनामी हो सकती है, इसकी आशंका बन रही है। दोस्तों, विद्यार्थी अपने लक्ष्य को आंखों से जो है ओझल ना होने दें,
यह समय प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियों में जो है ज़्यादा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिन के लिए जो समय होंगे, एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठकर काम करने की वजह से शारीरिक तकलीफ भी बढ़ सकती है। यह समय पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से आप पर तनाव भी पड़ सकता है। दोस्तों, औरों द्वारा सहायता न मिल पाना आपको थोड़ा सा दुखी करेगा। दोस्तों, यह समय अपना ध्यान को भावी लक्ष्यों की ओर पूरी तरह केंद्रित रखें, आपको उचित परिणाम हासिल होंगे। और दोस्तों, आप अपने आप में चमत्कारिक रूप से ऊर्जा और विश्वास यश में महसूस करेंगे। जनसंपर्क का दायरा भी और अधिक विस्तृत होगा, जो कि लाभदायक आपके लिए साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अपनी दिनचर्या संबंधी कार्यों को व्यवस्थित पूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें। व्यस्तता के बावजूद सामाजिक कार्यों में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यह समय किसी की बातों में ना आकर अपनी कार्य क्षमता पर ही आप विश्वास रखें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, करीबी रिश्तेदार द्वारा खुशखबरी आपको मिल सकती है। परिवार में किसी का विवाह निश्चित होने का आसार बन सकता है। दोस्तों, काफी दिनों बाद परिवार में सभी व्यक्तियों का जो है इकट्ठा आकर मिलना सभी के लिए जो है आनंददायक होगा। जीवन में किसी बात की जो है नई शुरुआत हो सकती है, यह दिन उनके लिए शुभ होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय व्यवसाय में बदलाव की संभावनाएं प्रबल होंगी। कभी कभी मंदी की वजह से मन विचलित होगा, परंतु दोस्तों, आप अपनी समझदारी तथा योग्यता द्वारा समस्याओं का हल पा लेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम पर अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों, यह समय तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कम प्रयास में आपको यह समय अधिक सफलता मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, काम को लेकर कोई नैतिक यात्रा आपके लिए अति उत्तम होगा, जो कि आपके भविष्य का रास्ता यह समय खोलेगी। मार्केटिंग संबंधित कार्यों तथा संपर्क सूत्रों को मजबूत बनाने की भी आपका जो ध्यान है यह समय उनमें लगेगा। दोस्तों, नौकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे और पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों, यह समय बिजनेस में सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय जो भी योजना पिछले समय बनाए थे या फिर जो भी पिछले समय योजनाएं लंबित थी, उसे पूरा करने का उचित समय होगा। ऑफिस में ध्यान रखें कि सहकर्मी आपके विरुद्ध अवसरों के कान भर सकते हैं। यह समय हालांकि उसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर बिल्कुल ही नहीं आएगा, परंतु दोस्तों, फिर भी सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। इसके बाद दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों, आज के दिन यह समय व्यावसायिक गतिविधियों में हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है, परंतु समय रहते उनका हल भी आपको मिल जाएगा। कर्मचारी की गतिविधियों तथा क्रियाकलापों पर पूरी नजर रखें। दोस्तों, यह समय ऑफिस में अपनी मेहनत और परिश्रम द्वारा बॉस व फिर अधिकारी को आप प्रसन्न भी कर लेंगे, परंतु दोस्तों, अपने क्रोध व फिर आवेश पर नियंत्रण रखना यह समय आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, यह समय व्यापार में फिलहाल पैसा निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे को खुश करने के प्रयत्न करते रहें, यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। दोस्तों, यह समय परिवार में सामंजस्य उचित व फिर सामंजस्य बना रहेगा, परंतु यह समय बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। दोस्तों, इनसे उनमें डिसिप्लिन बना रहेगा। घर में मेहमानों की आवाजाही सुकून प्रदान करेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, दोस्तों, यह समय घर परिवार में प्रेम जो है मधुरी बना रहेगा। घर में कोई मांगलिक प्रसंग भी बन सकता है, परंतु दोस्तों, प्रेम संबंध किसी विपरीत परिस्थिति की वजह से जो है उजागर भी हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, इसलिए यह समय मर्यादा का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा, परंतु व्यर्थ के प्रेम संबंधों तथा मौज मस्ती में अपना समय को जो है यह समय नष्ट ना करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम भी बन सकता है। दोस्तों, विवाहेतर संबंधों में किसी भी प्रकार की रुचि बिल्कुल ना लें। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, थकान की वजह से शारीरिक व फिर मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। दोस्तों, अपना खान पान हेल्दी रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय पार्टनर की सेहत की चिंता आपको सता सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों, स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा, परंतु मौसमी बीमारियों से खुद का बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी दिनचर्या यश में आप व्यवस्थित रखने की कोशिश करें, ये आपके लिए आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।
दोस्तों यश में कब्ज तथा वायु विकार जैसी समस्या रहेगी, इसलिए गरिष्ट तथा तला भुना भोजन खाने से यश में आप परहेज करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा, पेट में दर्द या फिर गैस से संबंधित दिक्कत भी परेशान आपको कर सकती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से सावधान रहें और उचित समय पर इलाज लें। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा ऑरेंज और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।